हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज क्योंकि संडे है तो हम काफ़ी दिन बाद संडे ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि यहां पे काफ़ी अपडेट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि गॉगल का, ब्राउनी का और ब्रूनो का भी एक अपडेट है। और एक न्यूज़ थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता था कि जो मैं ट्रीटमेंट या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो ठीक रहेगा कि नहीं। खैर, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वेट, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें कोको ने बच्चे दे दिए थे, और यहाँ देखिए अब उन सभी बच्चों के कलर कितने अच्छे से दिखने लगे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, अगर मैं कैमरा थोड़ा सा पास में ले जाता हूँ, क्योंकि इस वक्त बच्चे और कोको दोनों सो रहे हैं, तो ये देखिए ब्राउन और सिल्वर वाला कैसा अजीब बच्चा है ये। वैसे तो कलर बहुत अच्छा है इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल जंग लग गई हो। जैसे देखिए फ्रंट में यहाँ पे ये लोहा है और लोहे का ही कलर जंग लगा हुआ है वहाँ। बच्चे को देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जंग उसको लग गई है, लेकिन एक्चुअली उसका कलर ही वैसा है। और यहाँ पे वाइट वाइट बच्चे भी हो गए हैं, ये काफ़ी अजीब बात है। और सबसे गजब बच्चा यहाँ पर है, ये देखिए इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा वाइट या क्रीम होने वाला है, इतना पक्का है। और ऊपर ऊपर ब्लैक है, यानी कि जब ये बड़ा होगा तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप में से जो लोग भी देख रहे हो, अगर आप लोग रैबिट लवर या फिर कई तरह के पेट्स आप लोग रखते हैं, तो आप चाहें तो लोग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए शुरू से मैं जितनी बार इन लोगों के बच्चे में मैं हटाता रहा हूं, और मैं वैसे भी नहीं रख सकता, मेरे पास जगह की बहुत कमी है। मैं अडॉप्शन करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि सेल होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई नहीं आया और ये सेल हुए तो सबके सब सेल हो जाएंगे। तो सही टाइम पे अगर आप में से कोई मैसेज या कमेंट कर देता है इनके बड़े होने पे, तो ये अडॉप्शन जरूर हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल पूरा अगस्त ये बच्चे मेरे पास रहेंगे, खाएंगे पियेंगे, हेल्दी होंगे, फुल इम्यूनिटी वाले बच्चे होंगे, तब जाएंगे। लेकिन जो गुड न्यूज़ थी वो ये नहीं थी, इनका कलर नहीं था, वो थे इन बच्चों के भांजे और भांजियाँ पैदा हुए हैं, यानी कि हाँ शूरी ने भी बच्चे दे दिए हैं। तो देखिए शूरी की ब्रीड तो कोको से पहले ही हो गई थी, लेकिन हुआ क्या कि कई बार रैबिट्स 29 से 32 या 34 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं बच्चे देने में, तो ऐसा ही शूरी के साथ भी हुआ। और जो जो चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो एक्सपीरियंस मेरे एनिमल्स के साथ मुझे मिला है। तो कोको ने 29वें दिन पे ही ठीक बच्चे दे दिए, और शूरी ने यहाँ पे 34 दिन पे बच्चे दिए हैं। तो एक बार इन बच्चों से भी मिलते हैं, और ये ज़्यादा दिन के बच्चे नहीं हैं। आज संडे है, ये वीडियो अपलोड होगी, और ठीक इसी टाइम कल इन लोगों ने बच्चे दिए थे। मैं जब ऑफिस से आया था तो यहाँ ये बच्चे हो चुके थे, और काफ़ी ज़बरदस्त बच्चे हैं। ये देखिए ब्लैक है और ये वाइट है, और पीछे वाला जो है वो थोड़ा अलग कलर है, और वहाँ पे तो खैर बाल है, वो देखिए कोने में वहाँ बाल पड़ा हुआ है। और अभी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन कंप्लीट ही हुआ है इन बच्चों को, तो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे यहाँ पे। और यहाँ ये नन्हे बच्चे 5 और ये 3, टोटल 8 रैबिट्स के बच्चे, और 3 मेरे पास बड़े हैं। तो इतने सारे रैबिट्स मेरे पास हो गए हैं। तो अगर आप में से कोई इनको अडॉप्ट करना चाहेगा जो कि इनकी फुल केयर कर सके, तो मैं इनको अडॉप्ट ज़रूर कराऊंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले भी खरीदे हैं, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो आपको पसंद होगा वो दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों की कमी तो है नहीं, प्लैनेट ब्लू पे न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है। तो आगे बढ़ें अगर हम हैमस्टर्स की ओर, तो ये देखिए हम आ चुके हैं श्रेयान हैमस्टर के पास। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और मैं आप लोगों को एक और बार याद दिला देता हूँ, कि मैंने एक नया चैनल सिर्फ हैमस्टर्स के लिए बनाया है, जिसका नाम है PBA हैमस्टर्स, यानी कि प्लैनेट ब्लू आनंद और साथ में हैमस्टर्स, तो शॉर्ट फॉर्म PBA हैमस्टर्स। तो वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ हैमस्टर्स के बारे में ही बताऊँगा, जितनी इनकी स्पीसीज़ हैं, केयर हैं, जो भी हैं, क्योंकि प्लैनेट ब्लू पे हम सिर्फ गिनी पिग्स की बात करेंगे, ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी तो समझने में भी दिक्कत होगी। अभी मैं आप लोगों को यहाँ बच्चों से मिलवाने वाला हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने नहीं किया था। और ये देखिए ये काटे की तो नहीं खैर, लेकिन बच्चों से मिलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए डिस्टर्ब करना वैसे ठीक नहीं है इसको, लेकिन मैं सिर्फ इसको हल्का सा हटाऊंगा ताकि आपको, ये देखिए ये देखिए 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 देखिए, देखा आपने बच्चे दूध पीने में बिजी हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सिर्फ सहला रहा हूँ, ये देखिए बच्चे नीचे दूध पीने में बिजी हैं। और यहाँ पे
अभी मैंने गिना तो नहीं है कितने बच्चे हैं, लेकिन अभी देखिए हम अगर बाहर बाहर से ही देखें तो मुझे 3-4 बच्चे तो नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन इनको ज़्यादा मैं परेशान इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इनमें और रैट्स में क्या होता है, रैट्स तो फिर भी अपने बच्चों को सजाते संवारते रहते हैं, चाटते वटते रहते हैं, लेकिन हैमस्टर में, शैन हैमस्टर थोड़ी सी गुस्सैल होती है, अगर वो यहाँ वहाँ बच्चों को देखती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है शैन हैमस्टर्स। तो अब इनकी बात कर रहे हैं तो ज़रा हम चल लेते हैं ड्वार्फ के पास। तो ये देखिए नीचे ही ड्वार्फ का भी सेटअप है और यहाँ पे ड्वार्फ के इस छोटे से सेक्शन में यहाँ पे देखिए ये जो बच्चे हैं, मैं इनमें से एक बच्चा आपको उठा के दिखाता हूँ, लेकिन फीमेल ना आ जाए। ये देखिए ये क्योंकि मेरा जो मेल है वो सिल्वर कलर का था, इसलिए इसकी जो ब्रीड है वो भी सिल्वर कलर की ही लग रही है। ये देखिए ये कलर सिल्वर ही लग रहा है। और यहाँ पे दूसरा बच्चा मैं उठाता हूँ और वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए सिल्वर यानी कि ब्लू फॉन हम कह सकते हैं, ये ब्लू फॉन में बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस फीमेल को देख रहे हैं। और यही हम अगर सिल्वर के पास आते हैं, जो फीमेल थी मेरे पास, तो अभी फ़िलहाल इसका चेक करते हैं, तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए 24 घंटे में हमेशा जब भी इसके पास मैं आता हूँ ये गुस्से में ही मिलते हैं। और बाकी सब लोग यहाँ पे, अभी थोड़ी सी जगह बहुत छोटी हो गई है इन बच्चों के आने की वजह से, लेकिन बाकी सब लोग यहाँ खा पी रहे हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पे जगह काफ़ी हो जाएगी तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो पूरा चेंबर यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शंस में बट गया है जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स बैठी हुई हैं, तो जैसे ही बच्चे हो जाएंगे सब सेपरेट हो जाएंगे और जो मेल इसमें था उसको मैं अलग कर दूंगा और नीचे वाला ये जो एक पोर्शन खाली है इसको भी हैमस्टर्स का ही कर देंगे। तो अभी देखिए बर्ड्स का तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है और मैं वैसे भी बर्ड्स हटाने का सोच रहा हूँ। और फिशेस का है तो क्योंकि मैंने एक और चैनल बनाया है PB एक्वाटिक्स, तो मैं वहाँ फिशेस के बारे में भी अपलोड करूँगा और इसीलिए मछलियों का अपडेट अब डायरेक्ट आपको वही मिलेगा। और अभी अगर चलते हैं हम गिनी पिग्स की ओर वापस, तो ये आ चुके हैं हम लोग देखिए गिनी पिग्स के पास वापस। और गॉगल का यहाँ पे 6th वीक ख़त्म हो चुका है और अब बच्चों की रोटेशन मूवमेंट हल्की हल्की दिखने लगी है और जो ब्राउनी है वो तो खैर अभी तैयार हो रही है। और यहाँ मैं ब्रूनो की बात करने वाला था, तो देखिए बीच में क्या हुआ, ब्रूनो का एक पैर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से एक पैर काम नहीं कर रहा था और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि इतना सब कुछ खिलाने के बाद भी ब्रूनो के जो पैर में कैल्शियम की कमी की वजह से दिक्कत आई वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रही मेरे लिए। लेकिन क्योंकि ढेर सारी नॉलेज और ढेर सारी किताबें पढ़ने के बाद मैंने एक तरीका निकाला और ब्रूनो का पैर वापस ठीक हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये वाला पैर जो है ये कितना पतला अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये पहले से बहुत ठीक हो गया है। इसमें ढेर सारी सूजन थी, ब्रूनो उससे काम नहीं कर पा रहा था, ना खुजला पाता था ना उठा पाता था, लेकिन अब ब्रूनो बिल्कुल ठीक है, इससे अपने शरीर को खुजला पाता है, इसको चला पाता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से रनिंग कर पाता है। तो ये कैसे हुआ, इतनी अच्छी रिकवरी कैसे हुई, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और अपने पेट्स का ध्यान रखें। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।